नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारी अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है, इसमें बहुत सारी कंपनियां आपसे एक अग्रीमेंट करवाती हैं। और अग्रीमेंट कौन सा होता है और करवाया भी होगा आप लोगों के साथ में, या आगे भी करवा सकती हैं कोई भी उनके साथ प्राकृतिक आपदा आ जाती है। कि मान लीजिए एक महीने में आपको जॉब करना है तो आपको 14 दिन हम आपको जॉब नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को, कि हमारे पास जॉब कम है इसलिए आपको मान लीजिए 6 महीने में 2 महीने आपको रूम पे बैठना है, 2 महीने में आपको अवैतनिक यानी बिना सैलरी के आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। और इस दौरान कई बार क्या होती है, कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देते, काम करवा लेती है। उस स्थिति में क्या आप कर सकते हैं, पूरी डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, भाई चैनल वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। शॉर्ट में बता दूं कि मान लीजिए कई बार कंपनी आपसे एक अग्रीमेंट करवाती है, उसमें ये लिखा होता है कि मान लीजिए महीने में आपको 7 दिन रूम पे बैठना है, 14 दिन रूम पे बैठना है, या 6 महीने में 2 महीने आपको रूम पे बैठना है, ठीक है। और उसके बदले हम आपको सैलरी नहीं देंगे, काम नहीं दिया जाएगा, अग्रीमेंट या आपका सैलरी में से अग्रीमेंट कम कर दिया जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा या आगे भविष्य में हो भी सकता है। उस दौरान अगर ऐसा कंपनी में अग्रीमेंट हो जाता है तो कंपनी अग्रीमेंट कर सकती है, ऐसा उसको पावर दिया गया है ये दुबई लेबर लॉ में। 2020 में जो सरकार ने कोरोना महामारी में कानून बनाया था 279 के तहत में ये कंपनी को पावर दिया गया है, लेकिन इसमें कंपनियां नाजायज फायदा आपका उठा सकती हैं। वो कैसे, डिटेल से जानिए। होता क्या है कि कंपनी को एक बहाना मिल जाता है कि आपको इतने दिन बैठना पड़ेगा। आपका अग्रीमेंट में ये हो जाता है कि महीने में आपको 7 दिन 14 दिन बैठना है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसमें ऑप्शन दिया होता है, तो आपका सिग्नेचर हो जाता है, तो लीगली आप इस बात को एग्री कर लेते हो। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आपको उस दौरान हो सकता है कंपनी आपसे काम करवा ले, सैलरी नहीं देगी लेकिन काम करवा सकती है, और आपको इस बात का भनक भी नहीं लगेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपसे काम करवाया जा रहा है लेकिन बदले में आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साथियों साफ साफ बताया गया है कि मान लीजिए ठीक है, ऐसी परिस्थिति में कंपनी को अधिकार है कि वो उनको जॉब से बिठा सकती है, उनको जॉब कम दे सकती है, लेकिन अगर उनसे अग्रीमेंट पे साइन करवाने के बावजूद वो काम पूरा करवाए तो उसको उसका जो सैलरी है वो तो देनी पड़ेगी। बदले में एक्स्ट्रा अगर वो उनसे काम करवाते हैं तो उसको ओवर टाइम जिसको बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट वो भी उनको देने पड़ेंगे। जी हाँ, हाँ अलग बात है कि ऐसी महामारी में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी सैलरी जैसे मान लीजिए 5,000 दराम है तो उसका 10% काट सकती है, ऐसा ऑप्शन इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें यह भी है कि भाई आपको कंपनी ने बिठा रखा है, मान लीजिए ये बोलती है कि महीने में आपको 7 दिन बैठना है, तो इसमें यह भी ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी की मनमर्जी नहीं चल सकती, नॉर्मल परिस्थितियों में उसको उसकी मुआवजे का भी वो हकदार वर्कर बनता है। जी हाँ, कर्मचारी को मुआवजा कंपनी को देना पड़ेगा। 1980 के अनुच्छेद 81 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि कंपनी ने उनको अवैतनिक छुट्टी के दौरान उनको बिठाए रखा है तो उनको मुआवजा देने का भी हकदार कंपनी को बनना पड़ेगा। कंपनी में मान लीजिए कि एक्स्ट्रा मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनी को वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है तो वो मजदूरों से ज्यादा काम करवाते हैं, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 12 घंटे करवा रहे हैं, फ्राइडे की छुट्टी होती है तो छुट्टी के दिन काम करवाते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा बोनस कंपनी को देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट होते हैं वो उनको कंपनी को देने पड़ेंगे। इसमें बताया गया है कि वो काम की अधिकता से अगर वो काम करवाते हैं तो सैलरी का 50%, जी हाँ सैलरी का 50% कंपनी को देना पड़ सकता है। और बात रही जो छुट्टी के दौरान जो मुआवजे वगैरह बनते हैं वर्कर के, वो भी अगर कंपनी नहीं देती है और उसके खिलाफ अगर शिकायत की जाती है तो 100 यानी 150 गुना भी उसको मुआवजा देना पड़ सकता है। जितना उसका बोनस मान लीजिए 10,000 दराम बनता है तो उसको 15,000 दराम उसको देना पड़ सकता है कंपनी को। तो आपको साथियों एकदम इजी भाषा में मैंने समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस हो सकता है अगर कंपनी आपको छुट्टी के दौरान अगर आपको अग्रीमेंट कम करके आपको बोलती है कि आपको बैठना पड़ेगा तो कंपनी का हक बनता है उनको सैलरी दे, और ओवर टाइम करवाती है फिर उसका नहीं मिलता है तो उसका सैलरी का 150 गुना उसको देना चाहिए। जैसे 1,000 सैलरी है तो उसको 1,500 मिलेगा। अगर आपका बोनस वगैरह मिलता है, मुआवजा वगैरह कंपनी नहीं देती है तो दुबई लेबर लॉ के अनुसार उसका 150 गुना उसको देना पड़ सकता है। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि भाई आप दुबई में जॉब करते हैं तो ये आपके अधिकार हैं, आप इसके तरीके से कंपनी पे दबाव बना के अपनी सैलरी आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।